लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, साथ ही साथ ऑल का बटन दबा लीजिएगा। अगर आपका बजट है 30,000 रुपए का और आप इस बजट में एक अच्छा सा और जबरदस्त और बेस्ट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर हम अपने तीसरे फोन से। तीसरा फोन हमारा निकल कर आता है जो कि एक बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल एंड एफिशिएंट है, सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी S20 FE। बहुत ही कमाल का फोन है, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही एफिशिएंट फोन है, देखने में बहुत ही स्टनिंग और बहुत ही स्टाइलिश और चलाने में बहुत ही पावरफुल। चलिए जानते हैं इस फोन की स्पेक्स और प्राइस। परफॉर्मेंस की बात करें तो आप लोगों को इस फोन में ऑक्टा को 2.7 गिग्स का आप लोगों को एक बहुत ही जबरदस्त प्रोसेसर मिलता है जो कि सैमसंग एक्सिनॉक्स निकल कर आता है 9। देखा जाए तो 8GB रैम मिलती है और 128GB का इंटरनल स्टोरेज आप लोगों को इस फोन में देखने को मिलता है। जहां पर अगर डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंचेस की फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, जहां पर आप लोगों को डिस्प्ले बहुत ही ऑसम मिलती है। डिस्प्ले के मामले में तो आप जानते ही हैं सैमसंग बहुत ही जबरदस्त है। जहां पर डॉट नॉच डिस्प्ले मिलती है, एजेस और चिन बहुत ही पतले मिलते हैं माइनर से। कैमरे की बात करें तो 12+8+12 मेगापिक्सल का आप लोगों को ट्रिपल कैमरा मिलता है LED फ्लैश के साथ और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। कैमरा परफॉर्मेंस दोनों ही तरफ से बहुत ही लाजवाब मिलती है। और अगर बात करें बैटरी की तो 4300mAh की बड़ी बैटरी आप लोगों को मिलती है। इसमें फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन और USB Type-C पोर्ट आप लोगों को इस फोन में देखने को मिल जाता है। फोन बहुत ही जबरदस्त निकल कर आता है, देखने में बहुत ही स्टाइलिश लगता है। अगर इस फोन के प्राइस की बात करें तो फोन आप लोगों को बहुत ही अच्छी कीमत में देखने को मिलता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इसके प्राइस को चेक कर पाएंगे। दूसरा फोन हमारा निकल कर आता है ओप्पो रेनो 5 प्रो। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त फोन है। और अगर इस फोन की बात करें तो ये फोन में आप लोगों को कमाल के स्पेक्स मिलती है। देखा जाए तो देखने में बहुत ही स्टाइलिश और चलाने में बहुत ही पावरफुल एंड एफिशिएंट निकल कर आता है। चलिए जानते हैं इस फोन की स्पेक्स और इस फोन के बारे में। परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑक्टा को 2.6 का आप लोगों को मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि बहुत ही पावरफुल एंड एफिशिएंट न्यू लेटेस्ट प्रोसेसर है। जहां पर आप लोगों को 8GB रैम मिलती है और 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.55 इंचेस की आप लोगों को सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है फुल HD डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। देखने में स्टाइलिश और कर्व डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिलती है। एजेस और चिन बहुत ही पतले मिलते हैं। कर्व डिस्प्ले आप लोगों को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देती है, जहां पर आप लोगों को फ्रंट में बहुत ही अच्छा लुक देखने को मिलता है और बैक से भी। बात करें अगर इस फोन के कैमरा परफॉर्मेंस की तो 64+8+2+2 मेगापिक्सल का आप लोगों को क्वाड कैमरा सिस्टम मिलता है। कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब इस फोन में आप लोगों को मिलती है, जहां पर 32 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। बैटरी की अगर बात करें तो 4350mAh की बड़ी बैटरी आप लोगों को मिलती है, उतनी बड़ी नहीं है, हाँ थोड़ी सी कम आप लोगों को बैटरी इस फोन में देखने को मिलती है। वर्क चार्जिंग का ऑप्शन 2.2 और USB Type-C पोर्ट आप लोगों को इस फोन में देखने को मिलता है। फोन में आप लोगों को कमाल के स्पेक्स मिल जाती है और देखा जाए तो आप लोगों को बैटरी थोड़ी सी कम मिलती है, लेकिन बहुत ही अच्छा फोन निकल कर आता है। इस फोन की भी प्राइस आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख पाएंगे। पहला फोन हमारा निकल कर आता है IQ की तरफ से 7। जी हाँ दोस्तों, वीवो का IQ 7 बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही जबरदस्त फोन है। इस फोन में आप लोगों को कमाल के स्पेक्स मिल जाती है। चलिए जानते हैं इस फोन की स्पेक्स और प्राइस। देखें तो आप लोगों को परफॉर्मेंस के मामले में ऑक्टा कोर 3.2 गिग्स का आप लोगों को स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि बहुत ही पावरफुल एंड एफिशिएंट प्रोसेसर है। यहाँ पर 8GB रैम मिलती है और आप लोगों को 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.62 इंचेस की आप लोगों को एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि बहुत ही अच्छा लुक देती है डॉट नॉच डिस्प्ले के साथ। जहां पर एजेस और चिन बहुत ही पतले मिलते हैं। फोन देखने में बहुत ही स्टाइलिश लगता है और चलाने में बहुत ही पावरफुल, क्योंकि इसमें आप लोगों को डुअल चिप देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसमें आप लोगों को कैमरा परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही जबरदस्त कैमरा परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। 48+13+2 मेगापिक्सल का आप लोगों को ट्रिपल कैमरा मिलता है डुअल LED फ्लैश के साथ और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें तो 4400mAh की बड़ी बैटरी, जहाँ पर आप लोगों को फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन और USB Type-C पोर्ट मिलता है। इस फोन में आप रैम को भी बढ़ा सकते हैं और आप लोग इसमें जैसे कि आपके पास स्टोरेज है उसको आप VRAM में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। ये फोन आप लोगों को बहुत ही अच्छी कीमत में मिलता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इस फोन की भी प्राइस को चेक कर पाएंगे। ये थे टॉप 3 बेस्ट फोन अंडर 35,000 के रेंज में। आप लोगों को इन तीनों फोन में से कौन सा सबसे बेस्ट लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।